वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है लैंडस्केप लैंडफॉर्म, लैंडस्केप डेवलपमेंट के बाद लैंडफॉर्म फीचर्स और उनके अलग अलग जो भी करते हैं जिन्हें हम एजेंट्स ऑफ इरोजन कहते हैं, उनके द्वारा निर्मित किस तरह की भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ी थी नदियों द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ, आज हम पढ़ेंगे वायु द्वारा, पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृति। लैंडफॉर्म फीचर्स जो हम पढ़ेंगे तो एलियन कहाँ पर प्रोमिनेंटली होते हैं, डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं जो हवा है वो डेजर्ट मरुस्थल में। तो मरुस्थल में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं ये हम पढ़ेंगे। डेजर्ट, जैसा कि अभी हमने कहा, व्हाट इज़ अ डेजर्ट? डेजर्ट इज़ एन एरिया विथ लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मीन्स जिस भौगोलिक प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम की जल वर्षा प्राप्त होती हो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। 30 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, ध्रुवीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल और निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। ये विश्व के मानचित्र में आप इनका वितरण देख पा रहे हैं कि कौन कौन से मेजर डेजर्ट एरियाज़ हैं। कैलिफोर्निया वाला डेजर्ट है, अटकामा का डेजर्ट है, सहारा का है, गोबी का है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, जिन्हें हम उष्ण और शीत मरुस्थल में डिवाइड करते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि हम क्यों मरुस्थल की स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं, तो ये अध्ययन किसके लिए आवश्यक हो जाता है? ये पैलियो एनवायरनमेंट एंड पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी, जो पूरा जलवायु रही है, पर्यावरण किस तरह का रहा है प्राचीन काल में, उसके अध्ययन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ में सैंड ड्यून्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लो, जो ड्यून्स हैं वो जो पवन की प्रभाव दिशा है उसको प्रदर्शित करते हैं। साथ में ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड थ्रू दिस स्टडी। तो उसके इसमें क्या होता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एओलियन प्रोसेसेस मीन्स वायुजनित या वायु द्वारा, वायु की जो प्रक्रिया है कि किस तरह से वायु प्रभावित करती है, निर्मित करती है, तो इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू द विंड्स एबिलिटी टू शेप द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर पवन निर्बाध गति से या गति, उसकी गति बहुत तीव्र होती है जब उसकी मार्ग में कोई बाधा उपस्थित ना हो, तो उसमें जो उसकी दिशा है वो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करने में सक्षम होती है। विंड्स में इरोड, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल्स, तीन प्रक्रियाएं हैं भूमि निर्माण में या भूमि की स्थलकूपों के निर्माण में, जिन्हें हम कहते हैं अपरदन द्वारा निर्मित, परिवहन द्वारा निर्मित और निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। एओलियन प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट्स सच एज डेजर्ट्स। जो वायु द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित जो प्रक्रिया या स्थलाकृतियाँ हैं वो सिर्फ मरुस्थल में या शुष्क प्रदेशों में ही मुख्य रूप से प्रभावी होती हैं। विंड एक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जैसा कि हमने पहले भी नदी में तीन चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहली है अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, दूसरे चरण में अपरदन कम हो जाता है, साथ में परिवहन हो जाता है शुरू, तो परिवहन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, और लास्ट स्टेज होती है डिपॉजिशन निक्षेपण, जिसमें जो निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो। अर्थ अ डायनामिक इवॉल्विंग सिस्टम, इट्स मैनी जियोलॉजिकल प्रोसेस आर एक्टिव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दे आर कॉल्ड एंडो एक्सोजेनरिक प्रोसेसेस। अभी तक हमने एंडोजेनरिक लैंडस्केप इवोल्यूशन पढ़ा था, वो अंतर्जातीय शक्तियों के द्वारा निर्मित था। जो स्वरूप अंतर्जातीय शक्तियों के द्वारा निर्मित होता है उसके ऊपर बाहरी शक्तियाँ प्रभावी होती हैं और उसके द्वारा निर्मित कई प्रकार के भूदृश्य हमें दृष्टिगत होते हैं। द नोटेबल सर्फेस जियोलॉजिकल प्रोसेस आर वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिशन। जो मुख्य भूगर्भिक प्रक्रियाएँ उसके अंदर अपक्षय की प्रक्रिया है, वृद्धि क्षरण है, अपरदन है, परिवहन है और निक्षेपण है। दीज प्रोसेसेस आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग बोथ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन लैंडफॉर्म्स। इफ़ एनी ऑफ दीज अर्थ प्रोसेसेस आर डन बाय अ नेचुरल सिस्टम ऑन अर्थ देन इट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल इवेंट। अगर मतलब जो प्रक्रियाएँ हैं वो किसी भूदृश्य के निर्माण में और उसके विनाश में दोनों तरीकों से ये प्रभावित करती हैं, और कोई भी इन प्रक्रियाओं से अगर पृथ्वी की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राकृतिक तंत्र का हिस्सा बन जाती है तो उन्हें हम भूवैज्ञानिक एजेंट उन्हें हम कहते हैं। देन टोपोग्राफिक इफेक्ट्स ऑफ विंड इरोजन, विंड इरोजन जो है वो किस तरह से प्रभावी होता है। सबसे पहला अप्रेशन और कोरेजन, जिसे हम कहते हैं अपघर्षण की प्रक्रिया, वेयरिंग डाउन ऑफ सर्फेसिस बाय द ग्राइंडिंग एक्शन, सैंड ब्लास्टिंग ऑफ विंड बोन एंड पार्टिकल्स।
मीन्स एब्रेशन का मतलब होता है अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब क्या है कि जो धरातल पे चट्टाने हैं उनके ऊपर कंटिन्यूएशन में एक ग्राइंडिंग प्रोसेस, जैसे मशीन चलती है उस तरह से उसको ग्राइंड किया जाता है, उसी प्रक्रिया के थ्रू सैंड ब्लास्टिंग, जो बालू के कण हैं वो ब्लास्ट करते हैं ठोस धरातल से, और इस तरह से वो अब्रेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। डिफ्लेशन एक्शन जिसे हम कहते हैं अपवहन की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, अपवहन में जो पवन है वो बालू के कणों को उठाता है एंड उसको ज़मीन पर पटकता है, और इस तरह से प्रक्रिया चलती है और अनेक प्रकार के डिफ्लेशन हॉलोज का निर्माण होता है और बेसिन का निर्माण होता है। तीसरी प्रक्रिया एट्रिशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का क्या मतलब है, एक तो जो बालू के कण है वो धरातल से रगड़ खा के बह रहे हैं तो वो अपघर्षण है। एट्रिशन में क्या है कि बालू के कण धरातल से तो रगड़ खा कर चल ही रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपस में भी टकराते हैं, तो आपस में टकराने की जो प्रक्रिया है उसे हम सन्निघर्षण कहते हैं। सन्निघर्षण की प्रक्रिया में जो बालू के कण हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। ये आप इस उसमें देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, तो एक है क्रीपिंग एक्शन जो धरातल से रगड़ खा के आपका ये प्रवाहित हो रहा है, दूसरा एक्शन है सॉल्टेशन का कि उछल कर दूर जाकर गिरता है और तो प्रवाहित हो रहा है, और साथ में सस्पेंशन जिसे हम कहते हैं निलंबित अवस्था, जो बालू के कण बहुत बिल्कुल पाउडर जैसे होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, वो वायु में लटकते हुए मूव करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय विंड की हम जब बात करते हैं तो तीन विधियों द्वारा होता है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, रोलिंग, इसे हम पहले ही आपको पिछले डायग्रामेटिक उसमें समझा चुके हैं। एओलियन लैंडफॉर्म्स जो हैं, जो वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, ये वो फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस हैं जो इरोजिव और कंस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द विंड का परिचायक है। फाउंड इन रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर इरोजन एंड डिपोजिशन बाय विंड आर द डोमिनेंट जियोमॉर्फिक फोर्सेस शेपिंग द फेस ऑफ द लैंडस्केप। एओलियन सेडिमेंट्स आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ वेल राउंडेड सैंड टू सिल्ट साइज पार्टिकल्स दैट आर विदर्ड बाय विंड एब्रेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। हमने आपको पहले ही समझाया कि जो बालू के कण हैं वो पहले बड़े होते हैं, जो कि विखंडित होते हैं वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा। जो चट्टानी पदार्थ हैं वो इस प्रक्रिया में लुढ़क कर एब्रेशन और अल्ट्रेशन के थ्रू वो छोटे होते चले जाते हैं, राउंड होते चले जाते हैं, और बालू से वो सिल्ट, छोटी जो गाद के रूप में या सिल्ट जो जमा होती है वो बिल्कुल महीन कण के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिटेड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड फॉल्स, जब पवन की गति जो है वो कम हो जाती है तो जो अवसाद है वो आपके निक्षेपित हो जाते हैं। तो बेसिकली परिवहन आपका महीन कण से लेकर बड़े बड़े बालू के कण तक के रूप में होता है, लेकिन जो बड़े कण हैं वो पहले निक्षेपित होंगे, जो महीन कण हैं वो बाद में होंगे। अब्रेशन और अट्रिशन, सन्निघर्षण और अपघर्षण के परिणाम प्रक्रिया स्वरूप ये कण जो हैं आकार में छोटे होते जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो अपघर्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ विंड, पवन की गति की तीव्रता कितनी है। हार्डनेस ऑफ ब्लोइंग सैंड ग्रेन्स, जो बालू के कण हैं, जो पत्थर की चट्टानों के कण हैं वो कितने कठोर हैं। परसिस्टेंस ऑफ विंड, विंड कितनी निर्बाध गति से बिना अवरोध के, और कितनी गति जो उसकी, जो मतलब अगर गति भी चेंज होगी तो उसकी आकार में परिवर्तन होगा, तो परसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। एंड रेसिस्टेंस ऑफ रॉक बीइंग अब्रेडेड, और कठोर चट्टान जो है वो कितनी कठोर है, कितनी अपने जो रूप है मूल रूप को वो कायम करती है, इससे अपघर्षण की प्रक्रिया निर्धारित होती है। देन फीचर्स प्रोड्यूस बाय अब्रेशन, अपघर्षण की प्रक्रिया के द्वारा जो स्थल रूप हैं, जो जिस तरह के निर्मित होते हैं उनके नाम है वेंटिफिक्स, यरदांग, पेडेस्टल रॉक्स, विंडो, ये आपके कुछ नाम है, बाकी आप आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह के स्थल रूप निर्मित होते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आप सबसे पहले पढ़ेंगे वेंटिफिक्स। वेंटिफिक्स क्या होते हैं, इन्हें इकहल, दोपहल और तिपहल के नाम से जाने जाते हैं। जब चट्टानों के कण लुढ़कते हैं एक हवा की दिशा के साथ तो उनके कोने विकसित हो जाते हैं। अगर एक पहल है तो उसे हम एकेंटर कहते हैं, दो है तो ज्विकेंटर कहते हैं, तीन है तो ड्रिकेंटर कहते हैं, तीन से ज़्यादा अगर उसके साइड्स हों उन्हें हम फेसेट्स कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि एग्जिबिट वन और मोर पॉलिश्ड एंड फेसेटेड सर्फेस, दे आर रिलेटिवली रेयर। आप अगर बहुत विशाल भौगोलिक प्रदेश में अगर मरुस्थल में देखेंगे तो अलग अलग तिकोने और चौकोने, अलग अलग शेप के जो चट्टाने हैं, जो पदार्थ हैं वो होते हैं, तो उससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि इन्हें हम वेंटिफेक्स कहते हैं। मीन्स स्टीप साइडेड जो उनके फेसेट्स होते हैं वो आप उनको वेंटिफेक्स के रूप में हम जानते हैं, एकेंटर, द्विकेंटर एंड ज्विकेंटर।
देन एबरेजन ओरिजिन ऑफ विंड वेक्स। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से विंड डायरेक्शन जो है वो आपकी फ्लो ब्लो कर रही है और किस तरह से एबरेजन जो प्रोसेस है वो चट्टानों के कोने को विकसित करने में आपके ये डेवलप करता है। जैसे ही पवन की दिशा बदलेगी जो कण है वो लुढ़क के दूसरी तरफ हो जाएगा एंड देन पवन उसकी तरफ से जब ब्लो करेगी तो जो अपघर्षण की प्रक्रिया है चट्टान को रगड़ खा के चलेगी तो उसका एक तीसरा कोना विकसित हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है आपका यरदांग। यरदांग एंड ज्यूगेन दो तरह की धरातल की संरचनाएँ हैं जो रिजेस दैट आर स्कल्प्टेड एंड स्ट्रीमलाइन ऑफ विंड एब्रेशन एंड डिफ्लेशन एक्शन इलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स एंड आर नियरली ऑलवेज कार्व फ्रॉम रिलेटिवली वीक मटीरियल्स। कठोर और कोमल चट्टानों के अल्टरनेट परतें पाई जाती हैं तो जो कोमल चट्टान है उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वे में जब रिंग जो विंड है वो ब्लो करती है तो लॉन्गिट्यूडनल अगर विंड ब्लो करेगी तो इस तरह से संरचना दिखेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसे हम कहते हैं यरदांग। लेकिन अगर क्षैतिज दृष्टि से अगर वो क्षैतिज दिशा से करेगी तो वो रिजन पर टोपोग्राफी के रूप में भी जानी जाती है। ये यरदांग का दूसरा आप डायग्राम देख पा रहे हैं स्लाइड में जिसमें ग्रूव्ड एंड फरो शेप्ड लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय विंड एब्रेशन। ये आप जो देख रहे हैं वो यरदांग है। देन इसे हम मशरूम टेबल और पेडेस्टल रॉक कहते हैं जो दूसरी आकृति है। इसमें क्या होता है कि जब सैंड ब्लास्टिंग होती है पवन जब चलती है तो जो बालू के कण उनको लाके सबसे पहले क्योंकि डोमिनेंट जो फोर्स है विंड का वो बेस लेवल पे होता है तो वो चट्टानों के ऊपर जब सैंड लाके उसको टकराती है तो वो नीचे से बेस को वेदर जो प्रक्रिया पक्षी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इरोजन की और इस तरह से एक मशरूम रॉक जैसा आकृति बन जाती है जिसका जो कैनेपी है वो बड़ा होता है जो बेस है वो आपका छोटा होता है। अगर ये बेस बिल्कुल नैरो हो जाए इसकी नेक नैरो हो जाए सिलेंडर रॉक कॉलम हैविंग हार्ड रॉक एट द टॉप एंड सॉफ्ट नैरो रॉक एट द बॉटम इसे हम कहते हैं पेडेस्टल रॉक या इसे हम कहते हैं बेसिकली स्तंभ। इसे हम मशरूम रॉक के बाद आपका बनता है वो स्तंभ बनता है क्योंकि जो मशरूम है वो ऊपर से टूट जाती है। आगे जब हम देखते हैं डेजर्ट पेवमेंट्स ये क्या हैं आपके बहुत बड़े बड़े जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर उनका विस्तार पाया जाता है। ये इसके अंदर बेसिकली चट्टाने जो छोटे छोटे चट्टाने हैं रॉक पीसेस है वो इन पे पाई जाती हैं। इनके नाम हैं डेजर्ट पेवमेंट को इन्हें रेग कहते हैं वेस्टर्न पश्चिमी सहारा में इन्हें हम रेक के नाम से जानते हैं पूर्वी में इन्हें सरीर कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में इन्हें गिबर कहते हैं सेंट्रल एशिया में इन्हें सई कहते हैं। तो इनके जो स्टोनी हैं ये स्टोनी है इनको आपके चट्टान जो पत्थर हैं उनके कण देख रहे हैं इन्हें हम स्टोनी डेजर्ट को रेग कहते हैं। जो सैंडी होता है उसे अर्ग कहते हैं तो अर्ग इज़ सैंडी रेग इज़ स्टोनी और जो जैसे आपके बड़े बड़े इंसल बग देखे हैं उन्हें हम रॉकी डेजर्ट के रूप में हम देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं रेग जिसे हम स्टोनी कह रहे हैं ये डिपोजिशन है कि आपका चट्टानों में से बालू के कण बिल्कुल हट जाते हैं कोई नहीं होता सिंपल नग्न चट्टानें होती हैं छोटी छोटी जिन्हें हम रेग या स्टोनी पथरीला मरुस्थल कहते हैं। ब्लोआउट्स क्या हैं कि सैंडी डिप्रेशन इन अ सैंड्यून इकोसिस्टम जो मरुस्थल है वहाँ पे अगर जो अपवाहन की प्रक्रिया है उसके अंदर पूरे भूभाग से एक स्कूप के जैसे जो पवन है वो उस मरुस्थल से सैंड को ले जाती हैं इन्हें हम ब्लोआउट या वातगर्त के रूप में जानते हैं। ये वातगर्त कभी कभी इतने डीप हो जाते हैं इतने गहरे हो जाते हैं कि जो जल है इनके अंदर आ जाता है जिन्हें हम कहते हैं ओएसिस। ये विंड विंडो है ये आर्चेस हैं जो गारा मशरूम शत्रक रॉक की बात करें अगर दोनों तरफ से सैंड ब्लास्टिंग होती है तो बीच का जो आपका रॉक का पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाता है वो डिसअपियर हो जाता है और एक आर्क के रूप में भूस्तंभ के रूप में आकृति निर्मित होती है। इरोजन लैंडफॉर्म में डिफ्लेशन हॉलो में आप ये देख पा रहे हैं जिसको मैंने पहले कहा कि ये आपका एक जो वाद करते हैं उसके अंदर पानी आ गया है जिसे हम कहते हैं ओएसिस। ये मरुस्थल की बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म फीचर्स हैं। देन आते हैं ये परिवहन जो है अपरदन की संरचनाएं थी। अब हम पढ़ेंगे डिपोजिशन बाय विंड मींस जैसे ही विंड वेलोसिटी जैसे ही वेलोसिटी ख़त्म होगी या तो अवरोधक आ जाएगा कोई या बहुत दूर तक बहते बहते भी उसकी वेग कम हो जाता है तो जैसे ही वेग कम होगा तो निक्षेपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या कोई बाधा आ जाए या इंक्रीज लोड आ जाए तो वो आपका उसकी गति जो है वो रुक जाती है। सैंड ड्यून्स का मेन क्योंकि डिपोजिशन से सैंड ड्यून सबसे पहले बनते हैं तो इस माइग्रेशन किस तरह से होता है आप ये देख पा रहे हैं एरो से की दिशा क्या है और यहाँ से आप इसके प्रवाह को देख पा रहे हैं इन्हें हम शिफ्टिंग ड्यून्स के नाम से भी जानते हैं जैसा कि आप देखेंगे। विंड और सैंड रिपल्स सबसे पहले जो डिपोजिशन निक्षेपण द्वारा स्थलाकृति बनती है उसे हम रिपल्स या शिप उर्मिकाएँ कहते हैं। ये वेवी स्ट्रक्चर की होती हैं एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन में मिनीचर होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो 2 इंचेस होती है मात्र।
दे ऑल्सो फॉर्म क्रॉस विंड्स एंड अपीयर टू बी ट्रेवलिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द लार्ज ड्यून्स. देन लोएस का मैदान. लोएस का मैदान क्या है कि लोएस जो जगह है चाइना में उसके नाम पे स्वयं लोएस कहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा जमाव पाया जाता है. ये पीली भूरी होती है और ये बंजर भी होती है. द एलियन सेडिमेंट फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट टिपिकली इन द 20-50 माइक्रोमीटर साइज रेंज. मीन्स जो इनका आकार होता है वो 20-50 मीटर माइक्रोमीटर का इसका आकार होता है. ये इनका जो होता है बेसिकली कैलकेरियस होते हैं, परमिएबल होते हैं, पानी बहुत इजीली इनके पास कर जाता है. दे अकर एट वेरिएबल एल्टीट्यूड एंड आर रेडिली रिकॉग्नाइज्ड एज एलियन डिपॉजिट्स. लोएस इज द रॉ मटेरियल फॉर मेनी मॉलिसस द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल्स. इसके अंदर अगर हम खाद देते हैं तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी होती है. देन ये है पैराबोलिक ड्यून, क्रिसेंट शेप जिसे हम कहते हैं. लॉन्ग एक्सिस इज ट्रांसवर्स डोमिनेंट. ये ट्रांसवर्स है, ये विंड एक्शन है और ये इसके ट्रांसवर्स के रूप में मीन्स आड़ी रूप में ये विकसित होती है ये डायग्राम. और ये इसका जो कॉन्वेक्स लीवर्ड साइड है वो कॉन्केव विंडवर्ड साइड है वो आप देख पा रहे हैं. कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स मीन्स अवतल और कॉन्केव इज उत्तल. सॉरी, कॉन्केव इज उत्तल, अवतल ढाल, कॉन्वेक्स इज उत्तल. अब यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूडनल और सीव ड्यून्स कहते हैं. सीव ड्यून्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइफ इनकी शार्प एजेस होती हैं, दीर्घ इन्हें लंबाकार या अनुदैर्ध्य ड्यून बालुका स्तूप के रूप में देखते हैं. अ लार्ज एलोंगेटेड ड्यून लाइन पैरेलल, ये पैरेलल चलती हैं, ये आप देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल. यूजुअली हैव सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शंस. दे जनरली फॉर्म इन एरियाज दैट आर लोकेटेड बिहाइंड एन ऑब्स्टिकल वेयर सैंड इज अबंडेंट एंड द विंड इज कॉन्स्टेंट स्ट्रॉन्ग. मान लीजिए मार्ग में जैसे अवरोधक आप स्लाइड पिक्चर में देख पा रहे हैं, साथ में अगर जो पवन चल रही है वो कॉन्स्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये पवन की दिशा में पैरेलल पैरेलल स्ट्रॉन्ग जो लाइन्स के रूप में ये विकसित होती है, इन्हें हम अनुधैर्य बालुका स्तूप के रूप में जानते हैं. ये है स्टार ड्यून. स्टार ड्यून बेसिकली तारक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पिरामिडल के रूप में इसकी आकृति होती है. तीन और मोर इसके स्लिप फेसेस हैं, आप ये देख पा रहे हैं, वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड एंड फोर साइड, इसलिए हम इन्हें स्टार ड्यून्स कहते हैं. इनकी तीन से ज़्यादा शेप साइज होती है. ये है डोम शेप माउंट ऑफ सैंड दैट इज सर्क्यूलर एंड इलेप्टिकल इन शेप. इसका कोई स्लिप फेस सरफेस नहीं होता, ये सिर्फ डोम शेप में आकृति आके एक आपकी सर्क्यूलर रूप में हो जाती है, इसलिए इसे हम डोम या बेसिकली माउंट कहते हैं. ये रिवर्सिंग है, इसके अंदर इंटरमीडिएट बिटवीन स्टार एंड ट्रांसवर्स, जो आपने अभी तारक रूप देखा और अनुधैर्ध्य देखा ट्रांसवर्स, उसके बीच में ये उसका बीच का है कि आप ये देख पा रहे हैं कि सैरो के थ्रू इन्होंने जो दिखाने की कोशिश की है स्लाइड में कि विंड जो यहाँ से आ रही है दोनों तरफ का ही तो मिला जुला है कि इसके दो से तीन से ज़्यादा साइड्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिंग ड्यून. ये कोस्टल ड्यून्स हैं, जहाँ पे बीच सैंड है वहाँ पे इन्हें हम कोस्टल ड्यून्स के रूप में भी जानते हैं. बीच इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बीच का एरिया का होना आवश्यक है. ये डेजर्ट ड्यून से अलग होते हैं आकृति में और स्वरूप में, ये माइग्रेट नहीं करते. क्योंकि एंडिंग में जो हम बात कहना चाहेंगे इसमें कि जो अब तक हमने पढ़ा जो स्थलाकृतियाँ बनी कि विंड में इरोड ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट मटेरियल्स एंड आर इफेक्टिव एजेंट्स इन रीजन विथ स्पार्स वेजिटेशन. जहाँ पे वेजिटेशन ही, क्योंकि वेजिटेशन जो है वो इसको अवरोधक के रूप में कार्य करेगी और पवन उतना प्रभावी नहीं हो पाएगा. डिफ्लेशन, अपवाहन और अपघर्षण दो प्रमुख विधियाँ हैं जिसके द्वारा जो पवन है वो अपर्दन द्वारा जो प्राप्त पदार्थ होता है उसका निक्षेपण करती है. मशरूम टेबल, पेडेस्टल रॉक, यर्दांग, वेंटिफिक्स आर इंपॉर्टेंट इरोजनल फीचर्स, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख चुके हैं. विंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड क्रीपिंग. जो परिवहन होता है वो या तो लड़क के होता है या निलंबित अवस्था में होता है या आपके धरातल से रगड़ खा के धीरे धीरे आगे मूव करता है. अगला जो पॉइंट है इसमें वो ड्यून्स, लोएस एंड सैंड रिपल्स आर द डिपोजिशनल फीचर. ड्यून्स में बरखांस जो आप देख चुके हैं, जिन्हें हम कहते हैं अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, मेजर इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फीचर है. सैंड ड्यून्स फॉर्म एन एनवायरनमेंट दैट फेवर्स द डिपोजिशन ऑफ सैंड, जिसमें से आप एग्जांपल ये लिख रहे हैं बरकांस, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक एंड लॉन्गिट्यूडनल, जैसा कि अभी आपने इसमें पढ़ा. रेफरेंस के लिए आप ये देख सकते हैं. और थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ विंड एक्शन, which actually helps in carving out the landform features and which are very interesting also. Thank you so much.